भाई साहब ये चल क्या रहा है एक्चुअली में। भाई साहब यशराज एकदम पूरा गेम चेंजर बन गया भाई साहब यार। क्या जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इतने बड़े बड़े शॉकिंग न्यूज देने के बाद भी यशराज बैठ नहीं रहा भाई। ये स्पाई यूनिवर्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और भाई सीरियस होना भी चाहिए क्योंकि भाई बॉलीवुड मतलब इंडिया के सब बड़े बड़े एक्टर इसमें जो है। सबसे पहला जो अपडेट आया था कि सिद्धार्थ आनंद को हटा दिया वॉर 2 से भाई साहब अयान मुखर्जी को दिया। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा नाराज हो गए थे सिद्धार्थ आनंद को लेकर। लेकिन भाई साहब फिर एक न्यूज़ आता है कि भाई टाइगर वर्सेस पठान की जो स्टोरी पे काम होगा उसमें सिद्धार्थ आनंद काम करेंगे। भाई साहब तो ये एक बड़ा झटका हुआ। उसके बाद से उतना तो झटका सह सकते थे लेकिन भाई फिर एक झटका दिया कि वॉर 2 में भाई जूनियर NTR रहेंगे। भाई समझ लो यार किस लेवल का ये मतलब चल रहा है कहानी। मतलब यार यशराज ने पूरा सेट कर लिया कि भाई अब उनको क्या करना है कौन सा क्या करना है स्पाई यूनिवर्स पर पूरा जान लगा देना है। चलो उतना तक मान लेते हैं। चलो 3 अपडेट आए थे लेकिन भाई साहब आज जो अपडेट आया ना भाई सुनने के बाद से ना मैं सच में बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया। और शौक इसलिए हुआ देखो टाइगर 3 के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं ठीक है। सलमान का जो टाइगर 3 का सीरीज है ना भाई वो बहुत ही अच्छा और वो हमेशा हिट होता है क्योंकि उनकी जो एक्टिंग होती है जो एक्शन दिखाया जाता है ना भाई वो एकदम बाप लेवल और टॉप लेवल का होता है। भाई साहब न्यूज़ आया था कि पठान में हम लोग को पता चल गया था लास्ट सीन में कि भाई जो शाहरुख खान है वो रहने वाले टाइगर 3 में, ये तो कन्फर्म हो गया था। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रहा है कि यहाँ पर ऋतिक रोशन और जूनियर NTR भी रहने वाले हैं भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब सोचो क्या होने वाला भाई साहब, मैं इमेजिंग भी नहीं कर सकता भाई साहब ये मूवी कितना पैसा कमाएगी। पठान ने 1000 करोड़ कमाया, अब तो मेरे को लग रहा है पठान का बच खत्म हो जाएगा जब टाइगर आएगा तो। उसके वजह से जवान भी कुछ नहीं रहेगा भाई साहब ये टाइगर 3 के टाइम में। भाई मेरे को तो अभी से डर लग रहा है भाई साहब ये बॉक्स ऑफिस कहीं फट टूट नहीं जाए भाई साहब। बॉक्स ऑफिस क्या हॉल उल टूट टाट नहीं जाए भाई साहब, इतना क्राउड ना चला जाए। सलमान खान का क्राउड, शाहरुख खान का क्राउड, ऋतिक रोशन का क्राउड, साउथ से जूनियर NTR का क्राउड, मतलब समझ रहे हो भाई साहब कितना ज़्यादा क्राउड होने वाला है। और भाई फर्स्ट डे का जो कलेक्शन होगा ना वो मेरे हिसाब से 100% पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगा। फर्स्ट वीकेंड भी पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई साहब। सोचो यार क्या होने वाला भाई साहब। उसके बाद से नेक्स्ट ईयर मतलब हो सकता है 2024 या 2025 में फिर हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा झलक देखने को मिलेगा टाइगर वर्सेस पठान से। उसके बाद से वॉर टू का तो अभी से क्रेजी स्टार्ट हो जाएगा। जब से टाइगर 3 में जब दिखाया जाएगा पोस्ट क्रेडिट सीन वहीं से भाई साहब वॉर का लेके बवाल मच जाएगा भाई यार। तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ कि भाई साहब हॉल में होगा क्या, इतने लोग कहाँ से आएंगे। भाई मेरे को लग रहा है भाई हॉल और भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो भाई साहब आम बातें चाहेंगे लोग देखने। पठान का क्रेज से बहुत ज़्यादा डबल होने वाला भाई साहब। बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से भाई 2000 करोड़ तो आराम से छू देगा। साउथ का ऑडियंस आएगा, नॉर्थ में भाई साहब सलमान खान, शाहरुख खान, उसके बाद ऋतिक रोशन भाई साहब बाप लेवल का। भाई तो तुमको कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पे नहीं तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।